हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आमची महाराष्ट्र शिकार आहे प्राउडली आप लोगों के सामने। पाइनियर, जिसे हमने टाइटल दिया है फादर ऑफ द कंपोनेंट, चारों कंपोनेंट इंस्टॉल होने जा रहे हैं, TS-VR-170C। अगेन पाइनियर का हाई रीज एम्पलीफायर 874 विद द हाई रीज ऑडियो के साथ है, एंड 8100। हैरान है, आज ई नहीं है, ई एक्स नहीं है, ये है एस मॉडल। दोस्तों, एस मॉडल के काफी कम वीडियोस हैं, लेकिन इतना मैं बोलता हूं, इंडिया फर्स्ट एस मॉडल रहेगी जो इस तरीके से पूरी की पूरी मॉडिफाइड हो जाएगी। ये कार में रेगुलर हैंडल्स ही लग के आते हैं, इसे भी रिक्वेस्ट सेंसर के साथ चेंज कर दिया है। लेकिन उससे भी पहले जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द डैम्पिंग, कि किस तरीके से हम काम करते हैं, तरीका क्या है हमारा काम करने का। द सिटी के ब्लैक प्रीमियम डैम्पिंग, चारों कंपोनेंट्स हमने इंस्टॉल किए हैं वीआर सीरीज के कंपोनेंट्स। इसके ट्यूटर्स की फिटमेंट जस्ट क्रॉसओवर देखिए, अगर क्वालिटी पाइनियर बोल रही है तो ये प्रोडक्ट आप लोगों को डिलीवर कर रही है। इसमें ये रेगुलर जेन्युइन जो अपने स्पीकर्स लग के आते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नॉट अप टू द मार्क है, प्लीज चेंज कर दीजिए। प्लेयर भी चेंज कर दिया है, 8100 हमने इंस्टॉल किया है। रिक्वेस्ट सेंसर के, रिक्वेस्ट सेंसर हैंडल्स के हैंडल हमने चेंज कर दिए हैं। लेकिन एक इंस्टॉलेशन था, एक बताना था कि जिस तरीके से हम डैम्पिंग वर्क करते हैं, कंपोनेंट इंस्टॉल करते हैं, कि किस तरीके से हम काम करते हैं, और 8100 की अभी फिटमेंट जो है चल रही है। फिटमेंट चल रही है, HDMI केबल का स्लॉट भी हमने निकाला है, जो सो दैट अभी कस्टमर जो है Amazon फायर स्टिक लगा सके। एंड द पाइनियर 874 एम्पलीफायर ऊपर हमने इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। हर वक्त जब मैं बोलता हूं ना दोस्तों, क्वालिटी मींस क्वालिटी, ये क्वालिटी है, ये सेटअप है। बाजार में बहुत सारे ब्रांड्स हैं आप लोगों के साथ, पाइनियर था, है, रहेगा, क्वालिटी है, इनके इंजीनियर्स बनाते हैं। कस्टमर इतनी दूर से आया था क्वालिटी के लिए, हमने उनको क्वालिटी प्रोवाइड की, और गाड़ी रेडी होने के बाद मैं आपसे जरूर मिलूंगा। माय नेम इज तन्वीर फ्रॉम बिग ऑटो एक्सेसरीज वाशी नवी मुंबई, प्राउडली आपके सामने प्रेजेंट करते हैं आमची महाराष्ट्र सी कार आहे। औरंगाबाद से आई हुई है कार, जो अल्टीमेट डायनामिक वर्क हमने ये कार में किया है ना, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ इंडियाज भी फर्स्ट है और महाराष्ट्र भी फर्स्ट। क्रेटा एस वेरिएंट है, ई के देखिए, ई एक्स के देखिए, एस एक्स के, एस का कोई इतना हैवी डायनामिक वर्क आपने नहीं देखा हुआ है। गेस द मॉडल, गेस द वेरिएंट आप लोगों के सामने है। ये कार में एसएक्स बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन मैं हम इंटीरियर से स्टार्ट करना चाहेंगे आपके पास। ये एस वेरिएंट कार है, हमने पीछे 11.5 इंचेस की स्क्रीन इंस्टॉल की हुई है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि बाय चांस मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मेरा ड्राइवर कार चला रहा है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग मुझे सिर्फ इंडिविजुअल मेरे लिए चाहिए, मुझे यूट्यूब वगैरह आगे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्क्रीन HD है आपके सामने है, और आवाज़ जो है वो सोनी के प्लेयर से ही आ रही है वाया FM की फ्रीक्वेंसी से। हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट FM की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, और जो हम चाहे YouTube, Netflix, Prime Videos कुछ भी हम देख रहे हैं, हम हमारे जो एग्जिस्टिंग स्पीकर और एम्पलीफायर के आउटपुट से हम सुन सकते हैं। फिटमेंट फिनिश देख सकते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी मुझे एक ही स्क्रीन अपने लिए लगानी है, तो हमने एक ही स्क्रीन लगाई हुई है। जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द जो स्क्रीन है हमारी। ये कार में अगेन सीट इंस्टॉल करेंगे, अगर टॉप वेरिएंट का लुक देना है तो सीट लुक की बात नहीं है, ये कंफर्टेबल है, ये रिलैक्स है, ये जो चीज़ है ये कंफर्टेबल के लिए खर्ची की जाती है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये 60-40 सीट्स है, मुझे आमरेश मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, एंड द फॉर द यूटिलिटी मैं सीट को फोल्ड करके सामान वगैरह भी रख सकता हूँ। लेकिन इसकी जो पोजिशनिंग है, जो कंफर्टेबिलिटी है, ये रेगुलर ई वेरिएंट की सीट्स में हमें नहीं मिल सकती है। और इसके अगेन हमने ग्रैब हैंडल फोल्डेबल वाले,
रीडिंग लैंप्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं इसके अंदर एंड द हेडरेस्ट की स्क्रीन। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगा है आप मुझे बताना, लेकिन जो हमने गैलेक्सी ब्लैक किया हुआ है जो कर्टन्स है ये तो गाड़ी के साथ लग के ही आते हैं, जो मैं ई वेरिएंट में लगाता था, लेकिन एस वेरिएंट में सीट ग्रैब हैंडल रीडिंग लैंप्स नहीं आती है, तो इंटीरियर से एग्जैक्टली पूरा लग्जूरियस कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है ये कार के अंदर। एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द कार में ट्रियो हेडलाइट्स हमने इंस्टॉल की हुई है। ये कार में ट्रियो हेडलाइट्स नहीं लग के आती है, तो अगर टॉप वेरिएंट का लुक मुझे देना है तो हेडलाइट इंस्टॉल करनी पड़ती है एंड एलईडी किट्स फोक लैंप्स में हमने इंस्टॉल की है। द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील, इसमें रेगुलर जो है रिम्स ही लग के आते हैं, लेकिन एक अलॉय व्हील चेंज करने से द लुक ऑफ द कार टोटली चेंज हो जाता है। ओ आर वी एम मिरर्स इसमें नहीं लग के आते हैं और अंदर स्विचेस भी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। हाई इंफ्रारेड हीट रिजेक्शन फिल्म, लेकिन जो आउटर हैंडल्स हैं जो टॉप एसएक्स ऑप्शनल के आते हैं विद द रिक्वेस्ट सेंसर के साथ हमने चेंज कर दिए, इसमें रेगुलर वाइट कलर के हैंडल्स ही लग के आते हैं जो हमने रिप्लेस किए हुए हैं। इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार में ओ आर वी एम मिरर्स परफेक्टली पूरे वर्क हो रहे हैं। गैलेक्सी ब्लैक विद द सिल्वर हैंडल, सिल्वर हैंडल ये कार में लग के आते हैं, लेकिन एक गैलेक्सी ब्लैक विद द सिल्वर कोट हैंडल्स के साथ लुक टोटली चेंज है। चारों डोर्स में लेदर पैडिंग है और मैक ट्रिम्स के अल्ट्रा सॉफ्ट सीट कवर ब्लैक विद द रेड हाइलाइटिंग के साथ परफोरेशन हेक्सागन पैटर्न हमने, सेम टॉप गियर की मैट्स हमने इंस्टॉल की हुई है इसके अंदर डायमंड स्टिच के साथ। स्टीयरिंग रैप भी आप देख सकते हैं एंड सोनी का XAV8100, सी द फिटमेंट एंड द फिनिश ऑफ द प्लेयर इसके अंदर। ये एस के काफ़ी कम वीडियोस हैं ये इसके, और ये कार में भी हमने आउटर हैंडल्स हमारे तरफ से लगा के दिया है, चारों डोर्स में PPF की जो कोटिंग है हमारे तरफ से एंड मच मोर करके इनको दिया हुआ है। दोस्तों वेलकम बैक फ्रेंड्स, जैसे हम पाइनियर का फादर ऑफ द कंपोनेंट बोलते हैं VR सीरीज, चार कंपोनेंट एम्पलीफायर, प्रीमियम डैम्पिंग, ऊपर हमने लगाए नहीं एंड सोनी का XAV8100 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मोबाइल तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है, अगर चाहिए तो हेडफोन फोनो, नहीं है तो हमारे साथ आके आप बैठना पड़ेगा। क्या फील आ रहा है सर? बहुत सही आवाज़ है सर, ये बोले तो जिसको जो म्यूजिक का ये शौक है तो ये स्पीकर लगाना चाहिए, क्योंकि तो इसका आवाज़ ही बहुत क्लियरिटी आवाज़ है और तो आपके बोले तो सिस्टम में बहुत सही आवाज़ है इसका। तुम बोले तो हमारे मेरे को पहले से मैं सोच के रखा था यही लेंगे, आपकी टोटल हीडियो देख के मैं ये फाइनल किया हुआ। सबको ये विनती रही है ये स्पीकर अच्छे है, इसका डिस्काउंट भी अच्छा है सर, अच्छे काम क्वालिटी का है, तो यही स्पीकर बिठाओ। थैंक यू सर। प्राउड मोमेंट है आमची महाराष्ट्र की कार, मैं बोल सकता हूँ इंडिया फर्स्ट क्रेटा एस वेरिएंट, जो सो मच लोडेड हमने इसे अपग्रेड किया हुआ है। ई के ई एक्स के एस एक्स एग्जीक्यूटिव के भी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन एस के काफी कम वीडियोस हैं और एस को जिस तरीके से हमने किया है ना, सबसे पहले गणेश सर को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, हार्दिक अभिनंदन आहे साहेब तुमच्या की ही हे मौका मला दिलेला आहे तुम्ही मॉडिफाय करायचा पूर्ण कार अपग्रेड जो तुमची केलेली आहे साहेब आम्ही, किस तरीके से आपको लगा है सर प्लीज? मी ऍक्च्युअल ई मॉडेल जे बुक केलं होतं परंतु मला गाडीच मिळत नव्हती 1.5 वर्षापासून, आणि करायचं 1.5 वर्षापूर्वी मी इथे येऊन गेलो आणि सगळं बघितलं, म्हणलं तन्वीर भाईकडेच आपल्याला पूर्ण गाडीचं काम करायचं आहे, त्या दृष्टिकोनातून मला एस मॉडेल मिळालं कुठंतरी, त्या पद्धतीने मी इथे काल आलो आणि त्यांनी इतक्या फास्ट मला सर्व्हिस दिली का तुम्ही फक्त माझ्याकडे चावी द्या मी सगळं करतो टोटल, आणि रक्कमसुद्धा एकदम जिन्युइन रक्कम घेतली त्यांनी, कुठलाही फरक नाही आणि एक नंबरचं काम क्वालिटीचं करून दिलं आणि त्यांची सर्व्हिस चांगली, टीमवर्क चांगलं आहे, माणसं चांगले आणि स्वतः इतके म्हणजे जे लोक येतील बाहेरून त्यांना त्यांचं स्वागत करणं, त्यांना जेवण वगैरे आणण्याची व्यवस्था
असा पहिलाच माणूस मी बघितलाय का बा असं एवढी व्यवस्था ते करताय. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. और तुमची कार मधी जो मैंने जो टाइटल दिया हुआ है द फादर ऑफ द कॉम्पोनेंट, वाकई गरे सर है कि नहीं? एक नंबर सर, एक नंबर आवाज है. त्याचा थोडे पैसे शिल्लक जातील पण नंबर एक चीज है, क्वालिटी है, एक नंबर क्वालिटी. तो जो मैंने खास करके जो वीआर का जो मैंने टाइटल दिया था कि ये फादर ऑफ द कॉम्पोनेंट है और बूफर लगाने की आपको जरूरत है, जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द क्रॉस ओवर जो वीआर सीरीज के है. और ये एक सीरीज ऐसी है जो मेड इन जापान आती है. आप देख सकते हैं मेड इन जापान. कोई भी सीरीज, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, मेड इन जापान आपको नहीं आएगा. लेकिन हम भी मान गए हैं, पाइनियर तो पाइनियर है, लेकिन ये जो सीरीज है जो ओरिजिनल कार्बन फाइबर की इन्होंने कोनिंग दी हुई है और जो मेड इन जापान है, ये चीज अलग है. जो ओरिजिनल आइटम, ओरिजिनल शंका घ्यायची काही गरज नाही. खूप सुंदर, खूप सुंदर. थैंक यू. ये सर के दोनों भी भाजे हैं तो थैंक यू. मामा जी को पहले बोलेंगे कि सबके सामने बोलेंगे, इंडिया के सामने कोई. सर कैसा आपको जो लेवल ऑफ डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन है लोगों में, वो एक नंबर है. मतलब कुछ भी पूछो वो लोग ये नहीं करेंगे कि क्या हमको डिस्टर्ब कर रहे हो काम के लिए वगैरह. कुछ नहीं, एक आवाज नहीं निकालेंगे और अपना काम करके 100% बराबर करके जाता है. और सर का जो ये है, सर जो जिस तरीके से बताते हैं, जो एनर्जी है सर में क्रेटा बोल के, बहुत अच्छा है. क्रेटा इज हम सबका पैशन है. अगर ये पैशन नहीं होता तो आप भी ये सब चीजें नहीं लगाते थे. प्लेयर लगा था, स्पीकर लगे थे, सब तो लगा था, लेकिन एक डायनामिक ऑडियो अपग्रेड जिसे बोलते हैं जो हमने किया. ये डोळे झाकून यायला पाहिजे महाराष्ट्राच्या लोकांनी. बाहेरचे तर कर्नाटकच्या गाड्या बघितल्या मी, हैदराबादच्या गाड्या बघितल्या कमीत कमी, 5-6 गाड्या काल तर निघून गेल्या आमच्याबरोबर. पण आमचं काम जास्त असल्यामुळे आम्हाला थोडं थांबून म्हणजे शांततेत करून घेणं उचित वाटलं मला, म्हणून थांबलो. ते रात्री सुद्धा देत होते मला गाडी, पण मी म्हटलं सर मी सकाळी येईल. और ॲटमॉस्फियर हैदराबाद से कर्नाटका से इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आते, आपका एक्सपीरियंस वो पॉजिटिव एनर्जी. वो लोग सब बोले तो ये थे, दिल खुश था उनका. वो गाड़ी में एक ही गाड़ी में यहाँ तक आए सर हम, वो आदमी इतना खुश था तो पूछो ना, वो जो क्वालिटी काम है. थैंक यू सर. आज का रिव्यू कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं है, इंडिया फर्स्ट है और आमची महाराष्ट्र की कार है. जय महाराष्ट्र. और वी आर प्राउड, ऐसा महसूस करते हैं कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं. वो चीज के लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऑब्वियसली मतलब आपकी जो सर्विस है बहुत फास्ट है, इतना एफिशिएंसी मतलब बाहर कभी देखा नहीं. और एक टीम आती है, काम करती है एक्सट्रीमली फास्ट और एकदम डेडिकेटेडली और क्वालिटी वर्क. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू साहेब. ये मौका आम्हाला दिलेला, तुम्ही मॉडिफाई कराय सर. थैंक यू साहेब. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है दोस्तों. एस का तो बहुत दिनों से इंतज़ार था, एस वेरिएंट का जो आ चुका है आप लोगों के सामने. तो बिना लाइक किए हुए मत जाना दोस्तों. और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स.